बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आजकल। आज का जो हमारा टॉपिक है कोविड-19 के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको एक अहम पेशरफ्त के बारे में बताऊंगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साइंसदानों ने एक अहम मेडिसन जिसका नाम डेक्सामेथासोन है, ये WHO की लिस्ट में भी शामिल है। और ये मेडिसन कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर अप्लाई की गई है, उसके काफ़ी अच्छे नतज आए हैं, जिसके अंदर जो कि वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट थे और जो इनको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन पे जब ये मेडिसन यूज़ की गई तो उसमें डेथ रेट काफ़ी कमी हुई है। और वो ये साइंटिस्ट जो कि यूनाइटेड किंगडम साइंटिस्ट ने कहा, अगर ये मेडिसन बहुत पहले हम यूज़ करते तो ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार और पेशेंट की भी जान बचाई जा सकती थी। ये मेडिसन जो कि 60 साल पुरानी मेडिसन है, इससे काफ़ी डेथ रेशो में काफ़ी कमी आ रही है। और ये इसके ऊपर ये मेडिसन जो कि है यूनाइटेड किंगडम की जो कि NHS है, जो हॉस्पिटल है, जो कि एक अदारा है जो कि चलाता है, उसमें इसकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 5 पाउंड है। लेकिन अगर हम इसको अपने लोकल करेंसी में, अगर आप अपने मुल्क की लोकल करेंसी में देखें तो हिंदुस्तान की है, तो ऑलमोस्ट ये लोकल करेंसी में 1 पाउंड से भी कम है इस मेडिसन की वैल्यू। और अगर ये मेडिसन यूज़ की जाए तो इससे कोविड-19 के और पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और लेकिन ये अगेन मैं ये आपको बताना चाहूँ, ये आपने जो मेडिसन यूज़ करनी, ख़ुद से आपने नहीं यूज़ करनी, ये आपने मेडिसन अपने जो कि आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है, जैसे महकमा सेहत कहते हैं, उसकी और गवर्नमेंट की परमिशन, जो कि आपको डॉक्टर वगैरह बताएंगे, तब आपने यूज़ करनी है। ख़ुद से आपने डॉक्टर नहीं बनना, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँ। लेकिन ये एक अच्छी एक मेडिसन, अच्छी अप्रोच है जो कि यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने काफ़ी इसके ऊपर वर्कआउट किया है। इसमें वन ऑफ द जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्रिस विटी, जो कि चीफ मेडिकल इस कोविड-19 के ऑफिसर थे, उन्होंने ये इस बारे में ट्वीट भी किया है, जो कि आप ट्वीट आप देख सकते हैं। ये डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है जो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है। और प्रोफेसर जो मार्टिन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि जो कि कमेटी में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कोविड-19 के पेशेंट के लिए, को जान बचाने के लिए। अगर हम ये बहुत पहले यूज़ करते तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मालूम हो सकते थे। इसी तरह प्रोफेसर हॉबी, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर ये मेडिसन जो कि डेक्सामेथासोन है, बहुत सारी बीमारियों की सूजिश में कमी करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये एक अहम पेशरफ्त है। और इससे जो कि डेथ, जो कि वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट थे जिनको सांस का और किस्म के ऑक्सीजन के प्रॉब्लम थे, अगर हम इसको बहुत पहले हम यूज़ कर लेते तो इसके काफ़ी हम मरीजों की हम जान 4 से 5 हज़ार के करीब हम बचा सकते थे। वो जो ममालिक जो कि वर्स केस सिनेरियो में जा रहे हैं, जहाँ पे डेथ रेशो या केसेस बहुत ज़्यादा कोविड-19 के आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली उनको भी यूनाइटेड किंगडम के डॉक्टरों से, इनकी रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहिए, इनको कंसल्ट करना चाहिए। इस मेडिसन को दुनिया भर के मीडिया में काफ़ी कवरेज मिली है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके अंदर टेलीग्राफ, मेरा स्काई न्यूज़, अरब न्यूज़, इन सब ने इसको कवरेज किया है। और ये और UK के साइंटिस्ट को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, और उसके बारे में उनसे अपनी उनके कंसल्टेशन अपने अपने ममालिक आपस में कर रहे हैं। कोविड-19 के ऊपर हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 4 सिनेरियो पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, जिसकी डिटेल के लिए आप ऊपर क्लिक करें, वो आपको इसकी पॉसिबिलिटीज़, तमाम ग्राफ्स और तमाम, जिसके अंदर वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एल शेप, डब्ल्यू शेप, डिफरेंट, मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, इसकी डिटेल्स ऊपर अवेलेबल। एट द एंड मैं तमाम ममालिक के
सबरान से अपील करूंगा कि वो यूके के साइंटिस्ट ने जो कि एक, एक एक अच्छी पेशरफ की है उससे कंसल्ट करें और अपने उससे फ़ायदा उठाएं और अपने मुल्क के लोगों की जान बचाएं। एंड लास्टली अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपना और अपने गिरदनवा लोगों का ख्याल रखें, स्पेशली इन कोविड 19। अस्सलाम वालेकुम, हम अगले प्रोग्राम के साथ जल्द मिलेंगे।